बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान शहरियार और आप देख रहे हैं सुरखाब दास्तान। सुरखाब दास्तान के नाज़रीन व सामईन, आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, जहां पे बड़े बड़े जहाज गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल जो कि इस दौर का एक बहुत बड़ा मामला है, लेकिन अब नार्वे के कुछ माहिरीन ने इस मामले को हल कर लिया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, लेकिन अगर आप सुरखाब दास्तान में नए हैं तो वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी बेहतरीन मौजूदात पर बनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए बढ़ते हैं बरमूडा ट्रायंगल की जानिब। नाज़रीन, आम लोगों में बरमूडा ट्रायंगल का जब भी जिक्र हो तो जहन में ऐसे पुरसरार तिलस्म कदे का तसव्वुर उभरता है कि जिसकी जानिब जो भी चीज जाती है कभी लौट कर नहीं आती। अब तक दर्जनों हवाई जहाज और सैकड़ों बहरी जहाज इस खौफनाक समुद्री इलाके में हमेशा के लिए लापता हो चुके हैं। बरतानिया की समुद्री हदूद अमरीकी शहर फ्लोरिडा के साहिल और पोर्टोरिको के साहिल के दरमियान वाकई तिकोनी इलाके बरमूडा ट्रायंगल के मुतालिक सबसे खौफनाक बात यही है कि यहां गायब होने वाले बड़े से बड़े बैरी जहाजों और तैयारों का कभी सुराग नहीं मिला। माजी और हाल में इस हैरत अंगेज मामले के मुतालिक तरह तरह की कहानियां सामने आ चुकी हैं। कभी इसे खलाई मखलूक का मरकज कहा गया तो कभी कशिश सकल के कायनाती दायरों का मरकज करार दिया गया, लेकिन अब पहली दफा साइंसदानों ने बरमूडा ट्रायंगल के मुतालिक एक ऐसा राज दरियाफ्त कर लिया है कि जो इसके तमाम तर असरार से पर्दा उठा सकता है। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे के साइंसदानों ने पता चलाया है कि बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में समुद्र की तह में इंतहाई वसी और अरीज खौफनाक हद तक गहरे गढ़े पाए जाते हैं। उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि इस इलाके में गायब होने वाले बहरी जहाजों को यही गढ़े निगल लेते हैं। माहिरीन का कहना है कि बहिरा हॉर्नेट्स के मगरबी हिस्से में समुद्र के पैंदे में इतने बड़े गढ़े पाए गए हैं कि जिनका कुतर निस्फ मील तक है, जबकि इनकी गहराई सैकड़ों फीट है। साइंसदानों ने इन गढ़ों की वजह समुद्र की तह में पाई जाने वाली मीथियम गैस को करार दिया है। जब समुद्र की तह में इस गैस की बड़ी मिकदार जमा हो जाती है तो इसके दबाव की वजह से समुद्र की तह फट जाती है, नतीजे में वहां बड़े बड़े गढ़े पैदा होते हैं। मीथियम गैस के धमाकों की वजह से समुद्री पानी का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है और यही सूरत हाल इस समुद्री इलाके में तैरने वाले बहरी जहाजों को निगलने का सबब बनती है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर किसी तरह सैकड़ों फीट गहरे गढ़े की तह में देखना मुमकिन हो सके तो बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले बहरी जहाजों की बाकियात भी मिल सकती है। मीथियम गैस की वजह से ही उड़ते तैयारे भी समुद्री तह में जा गिरते हैं। सुरखाब दास्तान के नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।